पॉलिनोमियल्स का रिलेशनशिप समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर बात करेंगे कोफिशियंट और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप क्या है, जिसको हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशियंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्डर टू के लिए, किसके लिए, ऑर्डर टू के लिए, ऑर्डर जिनकी टू होती है और नाम उनका होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। अब आपको पता है अगर ऑर्डर टू है तो मैक्सिमम रूट कितने होंगे, मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, टू होंगे, या हम कहते हैं मैक्सिमम जीरो भी कितने होंगे, एक ही बात है दोनों, इसको हम यही लिख दें कंफ्यूजन ना हो, मैक्सिमम रूट्स और जीरो अगर हम बात करेंगे तो कितने होंगे, टू होंगे। तो अगर यहां पर मैक्सिमम रूट की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम जीरो की दो होंगे तो हम दो को ही लेके चलेंगे, एक भी हो सकता है लेकिन हम दो लेके चलेंगे। तो लेट अज्यूम, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ये दो रूट्स हैं, यहां पे अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होगा जरा देखते हैं, पॉलिनोमियल इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए पॉलिनोमियल वुड बी क्या होगा, वो होगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये है हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स। क्या है पी एक्स, जरा इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया है। क्वेश्चन कभी कभी बच्चों ऐसा पूछा जाता है जिसमें कहा जाएगा कि आप एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करें जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, या आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे, तो आप उस पॉलिनोमियल को निकालने का तरीका क्या है, आप जो अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है उसको अल्फा और बीटा के साथ रख दें। ध्यान रखें अगर इसके साथ माइनस दिया गया तो जरूर माइनस रखें, इसके साथ प्लस दिया गया तो प्लस जरूर रखें, जो भी ये साइन है विद साइन रखने हैं, कंफ्यूजन मत रखिएगा, यहाँ पे जो साइन दिए जाएंगे वो साइन के साथ यहाँ रखना है, माइनस है तो माइनस के साथ और प्लस है तो प्लस के साथ, जो भी साइन है वो यहाँ पे रखना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब आते बात कि जो हमारा पॉलिनोमियल जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है, जनरल पॉलिनोमियल ऑफ टू डिग्री, जैसा कि हमने आपको बताया था पहला पी एक्स क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही था। तो ये जनरल पॉलिनोमियल है और ये हमारे पास वो पॉलिनोमियल है जिसके रूट अल्फा और बीटा हैं, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसकी भी पावर दो है, इसकी भी पावर दो है, तो दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और वैसे अगर देखें तो ये ट्राइनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है, क्योंकि टर्म कितने कितने हैं, तीन तीन टर्म है, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एक हमारी इक्वेशन ये है और दूसरी हमारी इक्वेशन ये है, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए हमें पहले कुछ देखना पड़ेगा, क्या कि यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है, वन है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, इट इज ए, तो हम इस ए को रिमूव करते हैं। तो जब भी कभी कोई ऐसा नंबर है या कोई ऐसा कोफिशियंट है जिसको आपको रिमूव करना है तो उसका तरीका होता है उसी का पूरे में डिवाइड कर दें, तो जब पूरे में डिवाइड करेंगे तो वो वन बन जाएगा, तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, ये क्या किया हमने पूरे में ए का डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, पूरे का ए से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास नया पॉलिनोमियल क्या होगा, इट इज बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए
एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब हम इसको आसानी से कंपेयर कर देंगे, ये हमारी क्या आ गई थर्ड इक्वेशन। तो यहां पे लिख रहे हैं कंपेयरिंग कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए ये क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये एक्स का कोफिशियंट है माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर है बी अपॉन ए। इसको हमने क्या किया बी अपॉन ए कर लिया। तो आपके पास इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस बी अपॉन ए, और इसको क्या कहते हैं इट इज सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरो और रूट। ठीक है, इसी तरह हम जब सेकंड कंपैरिजन करते हैं अल्फा बीटा, ये क्या कांस्टेंट पार्ट है, ये भी क्या है कांस्टेंट पार्ट है, तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया सी अपॉन ए। इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो और रूट्स। तो ये भी एक आपको पता चल गया कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है इसके बराबर होता है, ये क्या कोफिशियंट ऑफ क्या है एक्स है, और ये क्या है कोफिशियंट ऑफ ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं माइनस कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं माइनस क्या है देखिए सॉरी कांस्टेंट टर्म नहीं है ये कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। इसी तरह इसको क्या कहेंगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप कोफिशियंट से भी निकाल सकते हैं और आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो ये जो रूट है ये है किसके लिए इट इज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप ये रूट्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इसी चीज को दूसरी बार तरीके से लिख सकते हैं, क्या पी एक्स क्या होता है अगर आपको रूट्स दिए गए हैं तो क्या होता है बच्चों इट इज एक्स की पावर टू प्लस, यहां पे देखिए एक्स की पावर टू माइनस साइन है माइनस क्या है माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स और जीरो प्लस क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये रिलेशनशिप आप फाइंड आउट कर लेते हैं, इससे बहुत सिंपल तरीका है। अब आपको तीन तरीके से पता चल गया कि हम रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल को भी कैसे, रूट्स दिए गए हैं तो आप पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, रूट्स दिए गए हैं तो आप पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, कोफिशियंट पता है तो भी आप पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर यहां पे दूसरा तरीका क्या है पी एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या है अगर इस फॉर्म में लिखना है, कंफ्यूजन ना रखिए इतना ही रखिए ठीक है थैंक यू। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि हम रूट्स को कैसे यूज करके पॉलिनोमियल लिख सकते हैं और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है।
अगर अभी भी हमने हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको पता चलते रहें, लाइक करें, शेयर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।